12 students, welcome back. In this video series, we are studying class 12. Today, we will continue exercise 5.5. In previous video, we have completed till exercise number 5.4. So, let's start class 12. Chapter 5, exercise 5.5. Question number 1. Cos x into cos 2x into cos 3x. Logarithmic differentiation कैसे किया जाए? देखो, logarithmic log का यूज करने की हमें यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में, पहले हम ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद log को यूज करके कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज भी हम यहाँ देखेंगे. नॉर्मली आप क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसका यूजिंग फर्स्ट इनटू सेकंड फार्मूला, बट इस एक्सरसाइज में हमें ये बोला है कि लॉग का यूज करके आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन. तो हम लॉग का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि और इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकें. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, हमें क्वेश्चन को हमेशा वायलेट करना है. जब भी आप लॉग लेने वाला कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे या लॉग अप्लाई करने के लिए कोई भी क्वेश्चन लें, पहले यहाँ पर उस क्वेश्चन को वायलेट कर लीजिए. देन या कोई और वेरिएबल जो हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली वाई अवेलेबल नहीं होता और वाई को हम अक्सर एफ एक्स या पूरा फंक्शन बोलते हैं, इसलिए मैं वाई लेट कर रहा हूँ यहाँ पर. टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सो व्हाट विल हैपन, लॉग वाई लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स. यस, वन मोर थिंग सर, अगर एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं आए कि लॉग लेकर सॉल्व कीजिए, तो नॉर्मल तरीके से कर सकता हूँ मैं सर, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं हम, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कर लीजिएगा, वो भी हो जाएगा. अब आप देखें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉग, लॉग ए इंटू बी इंटू सी, तो या लॉग एन इंटू एन तरह से आपको दिख रहा होगा. So we know log m n p is equals to log m plus log n plus log p. अभी मैंने इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड किया है, आपने दो वेरिएबल के लिए पढ़ा है m और n के लिए, तो सिमिलरली जब p होता है तो वो भी वहां पर ऐड हो जाता है. ओके, स्टार्ट करें आगे डिफरेंशिएटिंग विद, जस्ट अ सेकेंड, log y is equals to what, log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x. ओके, तो बेटा आगे क्या होगा, यहां पर देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास वेरिएबल क्या चल रहा है, यहां पर x चल रहा है, तो हम डिफरेंशिएट कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, राइट. log y का डिफरेंशिएट, log का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 by x, मतलब यहां पर y है तो पहले क्या होगा, 1 by y. अगेन डिफरेंशिएट ऑफ y, y का डिफरेंशिएट कितना होगा, dy by dx, क्यों, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy upon dx is equal to. ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, log cos x, log cos x, तो पहले इसका डिफरेंशिएट करना होगा log का, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे cos का, फिर डिफरेंशिएट करेंगे x का, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ log, सो 1 upon cos x. देखिए, पहले dy dx हम लिखते हैं पूरे क्वेश्चन में, पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर बता रहा हूं आपको, मैंने ये लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, नेक्स्ट dy dx ऑफ cos x प्लस 1 upon cos 2x into dy dx of cos 2x, 1 upon x ये हो गया, dy dx of x ये हो गया, प्लस 1 upon cos 3x dy dx of cos 3x. ठीक है, अब आगे देखिए, 1 by y dy by dx is equals to 1 by cos will remain same, but differentiate of cos x is minus sin x, that is
माइनस साइन एक्स, वन इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन एक्स, दैट विल बी माइनस साइन एक्स, ओके, प्लस वन बाय कॉस टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ कॉस टू एक्स विल बी माइनस साइन टू एक्स, बट अगेन डिफरेंशिएट ऑफ टू एक्स डिवाइड बाय एक्स, सो टू एक्स प्लस वन अपॉन कॉस थ्री एक्स d by dx of cos 3x, that is minus sin 3x, okay, minus sin 3x into d by dx of 3x, right, now, 1 by y, dy by dx is equals to sin upon cos, then minus tan x, minus sin upon cos, again tan 2x, d by dx of 2x, that is 2 only, because dx upon dx will be 1 am. So, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में. Similarly, यहाँ पर कितना आएगा 3, 10, 3x. This is our answer. बस एक चीज देखिए, अभी हमें वैल्यू फाइंड करना था dy by dx का. यहाँ पर एक ये y extra आ रहा है. What does it mean? ये y extra आ रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ पर ये cos 2x और cos 3x अगेन में मल्टीप्लाई होगा, तो हम एक काम करते हैं इसे 10 में कन्वर्ट नहीं करते हैं. देखिए ऐसा क्यों सोचा मैंने वो भी मैं बताता हूँ आपको. माइनस sin x प्लस अपॉन cos x माइनस sin 2x अपॉन cos 2x इंटू टू, ये वाला टू आ गया है यहाँ पर, माइनस थ्री साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स इंटू. अब आप देखते हैं यहाँ पर ये पूरा एक ब्रैकेट है और ये वन अपॉन वाई, वाई को मैं यहाँ लेकर गया, दैट इज वाई, यहाँ डिवाइड में था यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया. देखो आप ये देखो, अगर मैं कॉस एक्स कॉस टू एक्स और कॉस थ्री एक्स का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होता है बेटा, क्या होगा, ये वाई बनेगा. देखो cos x cos 2x cos 3x मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या एलसीएम लेना पड़ेगा. अगर हम इसका एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, देखो माइनस साइन x इंटू cos 2x इंटू cos 3x प्लस सॉरी माइनस 2 साइन 2x 2 साइन 2x, और देखो यहाँ पर कौन आएगा, cos x आएगा और cos 3x आएगा, cos x cos 3x माइनस यहाँ पर है sin 3x, तो 3 sin 3x इंटू cos x और cos 2x इंटू cos x और cos 2x. अब आप ये देखेंगे तो पूरे अपॉन में इसका एलसीएम क्या होगा, cos x cos 2x cos 3x जो हमारा ऑलरेडी क्या है y, और एक y हमने ऑलरेडी वहां पर ये मल्टीप्लाई में चल रहा है क्वेश्चन में, इस y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा dy by dx का आंसर होगा. देखो बहुत इजीली बहुत आराम से मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको, ताकि log की प्रोसेस आपको समझ में आए कि log लेने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर टू एक बार आप ट्राई कीजिए. ठीक है, लॉग दीजिएगा सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखना लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं जल्दी से, तो इसको रफ करता हूँ जस्ट अ सेकेंड. क्वेश्चन नंबर थ्री इज लॉग टू दी पावर कॉस एक्स. अब क्या देखा, देखो अभी तक जो प्रीवियस क्वेश्चन था कॉस वाला वो तो आप सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन लॉग की पावर कॉस एक्स को कैसे सॉल्व किया जाए, बिकॉज दिस इज द फंक्शन टू द पावर फंक्शन. तो यहां से अपनी कहानी लॉग की स्टार्ट होती है. क्या होती है बेटा, कि जब भी एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन में अवेलेबल होगा या आएगा तो हम लॉग यूज करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाएगा, उसको सॉल्व करने का रास्ता हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट अपन और अच्छे से स्टार्ट करते हैं. सब फर्स्ट पहले अपन क्या करते हैं, टेकिंग लॉग, लॉग लिया दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स,
log y is equals to log to the power cos x, log m to the power n, क्या होता है, n log m होता है, तो यहां करते हैं cos x log x, वही log m n, देख लेना log m की पावर n जो होता है वो होता है log m, और n आगे आ जाता है, ये आपको पता है ना, फॉर्मूले ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. अगेन log y डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो क्या होगा, log y दैट इज 1 अपॉन y dy by dx is equals to cos x log x. अगेन देखो, this is the first function and this is the second function. बोले सर इसको सेकंड मान लो, इस पूरे को फर्स्ट मान लो, तो आप सोचो इस लॉग के पास इसका थीटा का है, ये पूरा है, तो बेटा ये पूरा एक फंक्शन होगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखना. तो सो दिस इज यू एंड दिस विल बी वी, सो डिफरेंशिएटिंग लाइक फर्स्ट इनटू सेकंड और यू इनटू वी, दैट इज कॉस एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाय डी एक्स लॉग एक्स by dx of cos x. First differentiate of second plus second differentiate of first. Okay. 1 by y dy by dx is equals to cos x log. देखो इस log का differentiate किया first log का. तो अपने पास क्या आया 1 upon log x. अब इस log का differentiate किया तो क्या आएगा 1 upon x. अब मैं थोड़ा सा chain rule को direct follow करता हूँ, बचा रहा हूँ. बड़े question आ गए हैं इसलिए. Plus log x, यहां पर क्या होगा cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, तो ये हो गया माइनस sin x. सो फाइनली योर आंसर विल बी, यहां पर देखिए y को भी हमें यहां भेजना है, तो दैट इज log टू द पावर cos x dy by dx, यहां हो गया cos x अपॉन x log x, देखिए ये x log x हो जाएगा, माइनस sin x इनटू log x, और पूरे ब्रैकेट के बाहर यहां से जो y गया मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू थी log x की पावर cos x, तो log x की पावर cos x, यहां से पूरा आंसर आएगा. आई होप आपको क्वेश्चन दो अच्छे से, 1, 2, 3 अच्छे से समझ में आओगे. सेकंड आपको होमवर्क ही कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.